नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्भट न्यूज खबर शेखपुरा से। समरणालय के मुख्य द्वार पर महात्मा गांधी के शहादत दिवस के मौके पर सत्याग्रही आंदोलन का आगाज सीपीआई के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि सीपीआई ने एनआरसी और सीएएनपीआर के खिलाफ एक दिवसीय सत्याग्रह पर बैठे वाम दलों के साथ साथ जिले की बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों और बुद्धिजीवी किसान मजदूर छात्र नौजवान शामिल हुए। पूरे बिहार के अंदर बापू के मूर्ति के पास, जहां मूर्ति नहीं है वहां समरणालय के मुख्य गेट पर सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से एनआरसी को वापस लेने की मांग सरकार से कर रहे हैं। शांति पूर्वक सत्याग्रह आंदोलन जारी है। हम लोग पूरे बिहार में यह आंदोलन चला रहे हैं। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि एनआरसी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। यदि वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में उसे पूरा समय पूरे बिहार में आंदोलन को तेज करेंगे। यही बात हम आपके माध्यम से कहने आए। आज पूरे बिहार में गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर पूरे बिहार में गांधी जी के स्टेचू के समक्ष हम शेखपुरा के वासी लोग कलेक्ट्रेट के समक्ष हम सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। आज के ही दिन में आरएसएस के लोग और आरएसएस के गुंडे के लोग के द्वारा हमारे गांधी जी को हत्या कर दिया गया था। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज ही ने पूरे आरएसएस के लोग की सत्ता से चिपके हुए एनआरसी कानून लाकर, काला कानून लाकर पूरे देश के तमाम आबो आवाम के धर्म के नाम पर, जाति और मजहब के नाम पर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। और मजहब के नाम पर तमाम बेरोजगारों के छात्रों को, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। एनआरसी ताल तक खारिज नहीं करेगा, ताल तक वाम मोर्चा का आंदोलन जारी रहेगा। हम यही मांग करते हैं भारत सरकार से कि एनआरसी को आपको सीएबी और एनपीआर को खारिज